फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीलेश कुमार आज फिर एक नए वीडियो लेकर आप लोग के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास ट्वेल्थ का है और बहुत इम्पोर्टेंट, जो आपको नीट से लेकर किसी भी आप मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे एंट्रेंस एग्जाम में आप लोग अप्रोक्सली 2 से 3 क्वेश्चन जो है कई बार पूछे जा चुके हैं, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ध्यान से अगर हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आज मैं इस टॉपिक को बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, समझिए। किसी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चंस हो, तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं पूर्ण प्रयास करूँगा कि आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द उस प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। तो बिना देर किए हुए आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके पहले जो है हमने हार्मोनल कंट्रोल पढ़ाया था, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवोजेनेसिस। और इसके बाद जो है आपको एनसीईआरटी जो नेक्स्ट टॉपिक मेंशन किया है वह टॉपिक हमारा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। तो अगर हम इसका डेफिनेशन को देखें मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेफिनेशन होता है द ओवुलेशन प्रोसेस अंडर ए साइकिल। ओवुलेशन प्रोसेस अंडर ए साइकिल। तो फीमेल्स में जो होती है अप्रोक्सली 28 और 29 डेज का एक मंथली इवेंट होती है। और यही जो मंथली इवेंट्स होती है और यह इवेंट होता क्यों है, ओवुलेशंस के लिए। मैंने आपको पहले भी ओवरी में पढ़ाया था और आगे भी बताऊंगा, ओवुलेशन का मतलब होता है ओवरी से ओवम का रिलीज होना। तो ये जो 28 और 29 डेज का ओवुलेशन की जो प्रोसेस है एक साइकिल के अंडर में होती है, और जिस साइकिल के अंडर में होती है उस साइकिल को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग एक और नाम दे दिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो एक्चुअली में एमसी या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल का तो डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि द ओवुलेशन प्रोसेस अंडर ए साइकिल। जो अंडोत्सर्जन की क्रिया होता है वो चक्र के अधीन होता है, जिसको मासिक चक्र कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो ओवुलेशन प्रोसेस अंडर ए साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिएगा कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, एमसी की जो प्रोसेस हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यह होता किसमें है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है मोस्टली होता है प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में। किसके अंदर होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्राइमेट। और प्राइमेट कौन है, अरे भाई तो प्राइमेट में हम आते हैं। प्राइमेट में कौन आएंगे, हम का मतलब क्या हो गया, अरे भाई प्राइमेट में जो हम है, यानी यहाँ पे जो एच मैं लिखा यह एच मैंने यूज किया हूँ ह्यूमन के लिए, ए जो है वो है एपेस यानी एपे के लिए, और आपका एम जो है वो हो जाता है मंकी, चाहे ह्यूमन हो एपे हो या फिर मंकी हो। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म को प्राइमेट ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और इन्हीं प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में जो ओवुलेशन की प्रोसेस होता है वो एक साइकिल के अंडर होता है, उसी साइकिल को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में होता है, मेंस्ट्रुअली प्राइमेट में। और प्राइमेट कौन है, हम का मतलब क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक दो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बनते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जब फीमेल में, जब भी फीमेल जो होती है एडोलेसेंस फेज को रीच करती है, जब भी रीच करती है एडोलेसेंस फेज में, तो उसमें जो होती है फर्स्ट टाइम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, फर्स्ट एमसी आता है, तो वह प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेनार्क। पूछा हुआ भाई मेनार्क क्या होता है, तो जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा किसी भी गर्ल्स में, किसी भी और फीमेल जब वो एडोलेसेंस फेज को पहुंचती है,
तो उस प्रोसेस को बोल दिया गया मेनार्क। यानी मेनार्क जो होता है यह हो गया फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल। बट जे भी कोई फीमेल जो होती है ओल्ड फेज को गेन करती है, वह 45 ईयर या 50 ईयर को जब हो जाती है, तो उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो स्टॉप कर जाता है, रुक जाता है। तो मेंस्ट्रुअल है तो मेन तो रहेगा लेकिन रुक गया, तो रुकने का मतलब क्या हो गया भाई, पाउज हो गया। पाउज का मतलब होता है जो चल रहा था प्रोसेस, आप वीडियो वगैरह देखते हो और पाउज करते हैं, मतलब जो चल रहा हो क्या हो गया, रुक गया। अभी साइकिल चल रही थी और जे भी 45 और 50 में आ गए तो रुक गया, तो जो चलने रुक गया तो पाउज हो गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मीनो पॉज। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मीनोपॉज स्टॉप्ड। और जब फर्स्ट टाइम आता है यानी स्टार्ट होता है किसी फीमेल्स में तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनार्क। किसमें होगा, प्राइमेट। अब ये जरूरी नहीं है कि वो स्टॉप जो हो रहा है तो कुछ कंडीशंस में भी जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर जाते हैं। और वो कंडीशंस क्या होता है, तो इसके जो कंडीशंस अगर हम लोग देख लें तो इसमें कंडीशंस को जो अप्लाई किया गया है वो फर्स्ट कंडीशन होता है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है स्टॉप होता है। तो इसमें फर्स्ट होता है कि जो फीमेल होती है अगर वो प्रेगनेंसी फेज में चली गई तो जब भी वो प्रेगनेंसी हो जाती है तो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया, तो क्या उसको मीनोपॉज कहेंगे? नहीं भाई, एक कुछ इवेंट्स है जो मैं आपको अगले टॉपिक्स में भी बताऊंगा। एक और प्रॉब्लम अगर हो सकता है कि अगर फीमेल हो और फीमेल का जो अगर वो उसका पुअर हेल्दी हो, अगर उनका हेल्थ सही नहीं हो तो उस कंडीशंस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है रुक जाती है। तो इसको अगर वो प्रेगनेंसी में रुक रही है या पुअर हेल्दी में रुक रही है तो उसको मीनोपॉज नहीं कहेंगे। ये कुछ इवेंट्स होते हैं, डिजॉर्डर हो सकते हैं या जो होता है यूट्रस के अंदर यूटेरिन इवेंट्स के कारण में जो होता है उसमें गड़बड़ी होता है जिसके कारण ये रुकते हैं। अब अगर हम बात कर ले कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस है, एमसी की जो प्रोसेस है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स का, तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस होता है इसमें टू टाइप्स के इवेंट्स हो जाते हैं। इसके जो इवेंट्स हैं वो आपको टू टाइप्स के हो जाते हैं। एक जो इवेंट होता है वो होता है यूट्रस में, एक इवेंट्स कहाँ होने वाला है, यूट्रस के अंदर। और दूसरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट होता है वह होता है ओवरी के अंदर। तो पूरा अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के जो इवेंट्स देखें तो ये इवेंट दो जगहों पर जो होता है कंप्लीट होता है, एक यूट्रस के अंदर और दूसरा कहाँ मिल रहा है, ओवरी के अंदर। अब ये दोनों में जो इवेंट्स होते हैं तो ये पूरा जो होता है यह फोर फेज में जाकर इसके इवेंट्स कंप्लीट होते हैं। अभी जो फोर फेज है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवेरियन साइकिल या ओवेरियन इवेंट होता है, दो ओवेरियन इवेंट है और दो जो होते हैं यूटेरिन होते हैं। तो यहाँ पे जो हमें इवेंट्स मिल रहे हैं वो फोर इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो जो फर्स्ट इवेंट्स होता है उसको हम लोग कहते हैं मेंस मेंस इवेंट्स बोलते हैं, या इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुलेशन। यहाँ पे भी लिख दिया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मेंस, या इसको बोला जाता है व्हीपिंग, मेंस फेस, मेंस फेस। दूसरा जो इवेंट्स होता है वो जिस फेज में कंप्लीट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर फेज को एक और नाम दे दिया गया है, यहाँ पे उसको मेंशन किया हूँ मैं, प्रोलिफेरेटिव फेज। यानी प्रोलिफेरेटिव फेज बोल सकते हो या फिर उसको फॉलिकुलर फेज कहते हैं, मैं इसको बारे में बताऊंगा फिर। आपका जो थर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। और इसके बाद जो आपका लास्ट और फोर्थ जो इवेंट्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज। यानी सेक्रेटरी फेज को एक और नाम दे दिया गया, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा बताते समय।
इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस फेज भी, इसका एक और नाम रख दिया गया, क्या? कॉर्पस फेज। तो पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के इवेंट होंगे वो दो इवेंट्स हो जाते हैं मेनली, एक होता है यूटेरिन इवेंट्स या यूटेरिन साइकिल बोल सकते हैं, और दूसरा होता है ओवेरियन इवेंट्स, या उसको हम लोग बोल सकते हैं ओवेरियन साइकिल। तो दोनों में इवेंट्स होते हैं, और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है कंप्लीट कितने फेज में होते हैं? फोर फेज में होते हैं। फर्स्ट फेज को बोलते हैं हम लोग क्या? मेंस फेज। दूसरा जो हमारा फेज होता है उसको बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। तीसरा जो है वह होता है ओवुलेटरी फेज, और फोर्थ जो होते हैं उसको बोला गया है सेक्रेटरी फेज, या इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस फेज। अब हम लोग जो है इसको वन बाय वन करके एक एक फेज के बारे में स्टडी करें कि भाई ये सारे फेजेस जो होते हैं वह एक्चुअली होते कैसे हैं, इनके जो है इवेंट्स क्या है। चलिए भाई, तो फर्स्ट फेज जो होता है मैंने अभी बताया कि दो चीज में होता है, एक यूट्रस में होगा, और यूट्रस में जो भी होता है तो उसका सेकेंड हमारा कहाँ मिल रहा था? ओवरी के। तो फर्स्ट अगर हम इस फेज में देखें तो हमारा यूटेरिन साइकिल से स्टार्ट हो रहा है। अब यूटेरिन साइकिल कहाँ पे चलेगा? यूट्रस के अंदर। क्या होता है जानते हैं। तो मेंस फेज में होता क्या है अगर हम देखें कि जो यूट्रस होता है या इनवर्टेड पियर शेप का होता है, मैंने वो भी पढ़ाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव में कि जो फीमेल का यूट्रस है उल्टा नाशपाती होता है, इनवर्टेड पियर होता है। आपको याद होगा कि ये जो यूट्रस था इसमें जो होते हैं थ्री लेयर्ड होता है, एक के जो होती है बहुत ही मोटी लेयर होता है, थिक लेयर होता है जिसमें थ्री मेम्ब्रेन। अब इसका जो थिक वॉल है इसमें थ्री लेयर जो होता है, आप पढ़े होंगे पेरिमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, मैंने तीनों के बारे में बताया था। तो ये जो हमारा अंदर का है यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम एक्चुअली जो होती है ब्लड वेसल्स वगैरह से जो होती है कंटेन रहती है, ये जो होता है ब्रेक डाउन करता है, तो इसको समझते हैं। अब ये जो हमारा इंडोमेट्रियम होती है तो इंडोमेट्रियम का काम होता है नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना, ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना। किसका भाई? जो नया मेहमान आने वाले हैं, और जो जाइगोट बनेगा उससे जो इम्ब्रियो बनता है तो इम्ब्रियो का डेवलपमेंट करने का काम कौन करता है? इंडोमेट्रियम न्यू चाइल्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लेकिन मेंस लेयर में कंडीशंस क्या होता है कि ये जो इंडोमेट्रियम होती है तो यह इंडोमेट्रियम जो होता है ये ब्रेक करता है, और जब ये ब्रेक करता है तो इससे, अब यहाँ पे अगर हम लोग देख ले भाई कि ये जो ओवरी था और ये फ्लोपियन ट्यूब है, तो होता क्या है कि ये जो ओवरी रिलीज किया ओभम को यहाँ पे कैच किया फिमरी, और ये फिमरी जो कैच की यह ओभम आता है कहाँ पे? यूट्रस के अंदर। तो ये जो भी ओभम यूट्रस के अंदर आता है तो किसी स्पर्म का वेट करता है ताकि वो फर्टिलाइज होकर जाइगोट का डेवलपमेंट करे, इम्ब्रियो का विकास कर सके। लेकिन सब वो फीमेल कॉपुलेशन नहीं करती है किसी मेल से, तो उस कंडीशन में ये जो होता है डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और डिस्ट्रॉयड होने के कंडीशन में जो इंडोमेट्रियम होती है ये ब्रेक कर जाती है, और ब्रेक करने के बाद जो होता है यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ब्लीडिंग होना फीमेल्स में स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से जो ब्लीडिंग निकल रहा है यूट्रस से, तो ये जो ब्लीडिंग निकलती है यह निकलता कितने डेज तक है? 3 to 5 days। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का 3 to 5 days जिसमें ब्लीडिंग की प्रोसेस होती है इसी फेज को हम लोग बोलते हैं मेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं वीपिंग, ए लॉस्ट वीपिंग इन द यूट्रस, ए लॉस्ट ऑफ ओवा। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 1 day है इस तरह से जो होता है 2, 3, 4, मोस्टली जो होता है वो 5 days तक ही ब्लीडिंग की प्रोसेस होता है, किसी फीमेल में 3 days, किसी में 4, किसी में 5, यानी मिनिमम 3 days और मैक्सिमम जो हो जाता है वो 5 days का होता है। अब देखिए
ये जो 5 days यहाँ पे जो ब्लीडिंग निकल रहा है, जो ब्लड निकल रहा है, वो ड्रॉप ड्रॉप करके निकलता है। वैसे हम लोग नॉर्मली पढ़े हैं कि जब ब्लड जब भी बॉडी से बाहर आता है तो क्लोट हो जाता है, लेकिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड आता है तो कभी क्लोट नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा हुआ था कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड जो होता है वो क्लोट नहीं होता है, व्हाई? तो उसका मैं रीजन बता रहा हूँ कि ये जो ब्लड अब निकल रहा है जो किस फेज में, मेंस फेज में, तो इसके अंदर जो ब्लड निकला उसमें है क्या? तो ये जो निकलता है मेंस फेज में वेस्ट मटेरियल, और जो ब्लीडिंग हो रहा है उसके अंदर प्रेजेंट रहता है भाई, और उसके अंदर क्या क्या मिल रहा है तो हम लोग पहले देख ले। तो इसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, रेड ब्लड निकल रहा है, यानी उसके अंदर जो होता है ब्लड सेल्स है, आरबीसी होता है, और कौन होता है? तो आरबीसी के साथ हम लोग देखे तो जो एग डिस्ट्रॉयड हुआ था, फर्टिलाइज नहीं हुआ, और फर्टिलाइज नहीं होने से जो होता है नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं करता है, ब्रेक डाउन करता है, और ब्लड का पिलरी से टैर होने के कारण इसके अंदर जो होता है क्लीनिंग करता है और वही ब्लड बाहर आता है। तो आरबीसी जो रेड था ब्लड सेल्स थे, और कौन इसके साथ बाहर निकल रहा है, अनफर्टिलाइज्ड एग। तो जो निकलता है उसके अंदर हमें क्या मिलते हैं, आरबीसी रहता है, अनफर्टिलाइज्ड एग रहते हैं। अब ये जो अनफर्टिलाइज एग और आरबीसी जो ब्लीडिंग के थ्रू जो बाहर आ रहा है मेंस फेयर में, तो अभी मैंने बताया कि वो ब्लड कभी क्लोट नहीं होता है। तो क्लोट नहीं होने का रीजन होता है कि ब्लड को क्लोट कौन करता है, पढ़े थे प्रोटीन याद होगा आपको, फाइब्रिन प्रोटीन। और ब्लड नहीं क्लोट करता है क्योंकि उसी के सिमिलरिटी इसके अंदर एक केमिकल सबस्टांस रहती है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिन प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, याद रखिएगा, फाइब्रिनोलाइसिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है किसमें, मेंस फेज के जो ब्लड निकलता है उसके उसमें प्रेजेंट रहता है फाइब्रो, यहाँ पे देखिएगा फाइब्रिनोलाइसिन, जो ब्लड को क्लोट नहीं होने देता है। देन रिजल्ट होता है कि मेंस मेंस्ट्रुअल फेज में निकला हुआ ब्लड कभी क्लोट नहीं होता है। अब जब ये अनफर्टिलाइज निकल जाता है तो ये जो यूट्रस का वॉल है वो बेचारा, यहाँ पे देख सकते हो कि बना हुआ जो मेंस लेयर था ये बेचारा धीरे धीरे प्रोमोट कर गया, यानी लॉस हो गया, टूट गया, रोने लगता है। तो जब ये लॉस कर जाता है तो यूट्रस का ये जो इंडोमेट्रियम है वो कोलैप्स होने लगता है। तो उसको फिर से कहता है सेकेंड फेज, अगर हम लोग बात कर ले फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में आने के बाद यूट्रस को संतावना देने के लिए प्रयास करता है कि चलिए भाई यूट्रस का तो इवेंट हो गया, अब हमारा जो दूसरा इवेंट हो रहा था वो इवेंट कहाँ पे होता है, ओवरी के अंदर। तो जब भी यूट्रस के अंदर कंप्लीट ए प्रोसेस हो जाती है, जो ओवरी है, अगर हम बात कर रहे हैं किसका, ओवरी का, तो मैंने बताया था कि इस तरह से जो होता है ओवल शेप में ओवरी होता है, और ओवरी के जो होते हैं दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट्स का नाम बताया था मेडुला। अब देखिए जे भी लॉस हो गया तो ऐसा नहीं है कि अब अगले मंथ के लिए नए ओवम का फॉर्मेशन शुरू होगा। तो ओवरी के अंदर जो होते हैं इस तरह से फॉलिकल्स डेवलपमेंट होता है। मैंने ओवरी में पढ़ाया था कि ये जो प्राइमरी वो साइट्स बनता है और इसके ऊपर जो होते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर बनता है, कौन से ग्रैनुलोसा सेल, और ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर बनता है तो ये प्राइमरी फॉलिकल इस तरह से डेवलपमेंट होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और इसके अंदर जो है ग्रैनुलोसा सेल्स का लेयर बनता है, और बहुत ही वो मोटी लेयर बन जाती है, थिक लेयर बनता है, जिसको लोग थेका भी बोलते हैं भाई। अब ये जो जेवी थेका लेयर्स का फॉर्मेशन करता है तो ये थेका लेयर से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, और जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उस हार्मोन का नाम मैंने बताया था इस्ट्रोजेन। उस हार्मोन का नाम क्या बता दिया, इस्ट्रोजेन। अब ये जो इस्ट्रोजेन हार्मोन होता है या इस्ट्रोजेन हार्मोन चला जाता है भीष्म पितामह के पास, और हम लोग को पता है कि इंग्लैंड में भीष्म पितामह कौन है भाई, पिता के जो पिता नहीं दादाश्री होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई भीष्म पितामह कहा जाता है प्यूटेट्री ग्लैंड को। तो इस्ट्रोजेन
अब यहां से देखिएगा तो प्यूटेटरी ग्लैंड को, अब जेवी प्यूटेटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट किया तो प्यूटेटरी ग्लैंड जो होता है एक हार्मोन सेक्रेशन करता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। और यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होती है यह फिर से फॉलिकल का डेवलपमेंट ओवरी के अंदर शुरू कर देता है। अब जीवी ये ओवरी के अंदर फॉलिकल्स का फॉर्मेशन यानी डेवलपमेंट शुरू करता है जिस फेज में, उसको हम लोग कहते हैं क्या, फॉलिकुलर फेज, या उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलीफेरेटिव फेज। तो ये जो होता है 5 के बाद अगर हम लोग देख ले तो ये प्रॉक्सिली जो होता है 9 डेज का होता है। अब फॉलिकुलर फेज में क्या होता है कि इसके अंदर जो फॉलिकल डेवलपमेंट हो जाता है, तो डेवलपमेंट होने के बाद इसके अंदर प्राइमरी ओसाइट डेवलपमेंट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी ओसाइट्स में। आप ओवरी टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं कैसे डेवलपमेंट। अब जो ये सेकेंडरी ओसाइट्स बन चुका है इसके अंदर जो होता है ग्राफियन फॉलिकल्स, जो ग्राफियन साइंटिस्ट ने बताए थे, तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर सेकेंडरी ओसाइट्स जब बन जाता है तो ये चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है किसको, सेकेंडरी ओसाइट्स को, जिसको हम लोग ओवम कहते हैं। अब ऐसे कंडीशंस में क्या करता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन जो थेयर से निकला वो फिर जो है स्टिमुलेट करता है किसको, हाइपोथैलमस को। और ये जो हाइपोथैलमस होता है, मैंने बताया था कि ये प्यूटेटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, तो इस कंडीशन में जो प्यूटेटरी ग्लैंड होती है यह प्रोड्यूस करता है बहुत ज्यादा एक हार्मोन जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। अब जब ये बहुत लार्ज अमाउंट में सब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सेक्रेशन होता है तो वह प्रोसेस को बोलते हैं एलएच सर्ज। इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया गया, एलएच सर्ज। अब यह जो एलएच सर्ज है जब इसका सेक्रेशन बढ़ता है तो यह एलएच ब्लड में मिक्स होगा और ब्लड में मिक्स होने के बाद वो पहुंच जाता है किसमें, ओवरी के अंदर। और ओवरी के अंदर जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर कर देता है, उसको तोड़ देता है। और जब ये रैप्चर करता है तब जाके इसके अंदर से जो होता है सेकेंडरी ओसाइट्स रिलीज हो जाती है। अब जब ये सेकेंडरी ओसाइट्स, ये जो हमारा यूट्रस था अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे ओवरी है, तो अब ये देख रहे थे कि ये जो ओवरी था यहाँ पे जो रैप्चर हुआ निकला सेकेंडरी ओसाइट्स, या फिर से कहाँ पे आ जाएगा, यूट्रस में। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि जो बन जाता है तो वह फेज फॉलिकल का डेवलपमेंट, सेकेंडरी ओसाइट्स का बनना, उसको एलएच लार्ज प्रोसेस द्वारा यानी एलएच का सेक्रेशन बढ़ता है तब हमारा फॉलिकुलर रैप्चर होता है और सेकेंडरी ओसाइट्स बाहर आ जाती है। तो बाहर आने के बाद जो होता है अगर हम लोग देख लें तो प्रोलीफेरेटिव फेज यानी फॉलिकुलर फेज जो होती है कंप्लीट होती है 9th डेज में। अब ये भी यहां से फॉलिकुलर अगर हम लोग देखें कि एक जो फॉलिकल्स होता है, तो फॉलिकल्स जो होते हैं वो इस तरह से जो होता है बड़ा होता है। अब यहां से निकला कौन, केवल सेकेंडरी ओसाइट्स। तो सेकेंडरी ओसाइट्स के निकलने के बाद जो होता है यहाँ पे रिमेनिंग स्ट्रक्चर उसके साथ के सब बच जाते हैं। तो जिस डेज में वो बाहर निकलता है तो निकलेगा कौन से डेज में, तो वह निकलता है 14 डेज में। और जिस दिन वो बाहर निकलता है 14 डेज में, जो बाहर निकलता है तो यह फेज को ही हम लोग कहते हैं ओवुलेटरी फेज। पूछेगा भाई ओवुलेटरी का मतलब जिस डेज में ओवुलेशन होता है, किस दिन ओवुलेशन होता है, 14 डेज को हम लोग बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। अब ये भी यहां से ओवम जो होता है यूट्रस में जब आ जाता है तो अब क्या करेगा कि जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर थी किसका, ग्राफियन फॉलिकल्स का, यह येलो कलर के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है जिसको हम लोग नाम दे दिया हूं कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ग्लैंड की तरह काम करता है और यह एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन।
याद रखिएगा भाई, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन कौन करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? तो जब फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट्स निकल जाता है और बच जाता है, जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर वो येलो कलर के ग्लैंड में चेंज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन जो होता है वह होता है क्या, कि यूट्रस के अंदर जो होता है फिर से इंडोमेट्रियम लेयर को ग्रोथ कर देता है, ताकि वो फिर से जो, अगर वो एक जो आया है फर्टिलाइज हो जाता है, तो उसके अंदर जो चाइल्ड बनेंगे उसका फिर से वो डेवलपमेंट कर सके। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होते रहेगा, कब तक होगा? वह 18 डेज जब पहुंच जाता है, यानी अगर हम वो देख ले कि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल तक वेट करता है, यानी नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इंडोमेट्रियम का, और उस ड्यूरेशन तक अगर एक फर्टिलाइज नहीं हुआ तब वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और डिस्ट्रॉयड होने के बाद फिर से जो होता है हमारा क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जे भी निकलता है यहाँ पे, जो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम जब सेक्रेशन करने लगता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का, तो वह फेज को बोलते हैं हम लोग सेक्रेटरी फेज, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड किया। आप समझिए थोड़ा सा, कि अगर ओवम जो होती है फर्टिलाइज हो जाती है तब तो उसको डेवलपमेंट करेगा, और अगर फर्टिलाइज नहीं हो पाती तो उस कंडीशन में ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, यह भी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ब्रेकडाउन कर जाएगा, और ब्रेकडाउन करता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। ये भी कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेकडाउन कर जाता है, तो इसका नाम रख दिया गया कॉर्पस एल्बी केन्स। पूछेगा भाई कॉर्पस एल्बिकेन्स क्या होता है? तो जब कॉर्पस ल्यूटियम छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं तो उसको कॉर्पस एल्बिकेन्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा हो गया कौन, सेकेंडरी फेज। अब अगर हम इस चीज को देख लें ग्राफ के थ्रू, तो आपको मैं ग्राफ में इजी वे में बता देता हूँ कि ये ग्राफ जो है क्या कर रहे थे, और ये ग्राफ से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं हारमोन्स का, उसको आप जो है इजी वे में याद कर सकते हैं, तो इस चीज को ध्यान से देखिए। मैंने बताया हूँ कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 से 29 डेज का एक साइकिल होती है। आप यहाँ पे जो इसमें दो इवेंट्स, एक यूट्रस के अंदर और एक ओवरी के अंदर। फर्स्ट फेज जो है यूट्रस के अंदर हम लोग देखें तो डेज यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो फेज होता है मेंस फेज होता है, जिसको हम लोग वीपिंग कहते हैं। वीपिंग में क्या होता है कि जो ब्लड होता है, अनफर्टिलाइज एग होते हैं, आरबीसी जो होता है, वो सब चीज होते हैं बाहर निकलते हैं 3 to 5 डेज, तो वह फेज को हम लोग कहते हैं मेंस फेज, या उसको बोलते हैं वीपिंग ऑफ लॉस्ट ओवम। अब यहाँ से देख सकते हो कि ये जो इंडोमेट्रियम लेयर था, ये बेचारा धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड हुआ, रोने लगा कि अब तो भाई मेरा फर्टिलाइज नहीं हुआ, लेयर टूट गया। तो कहता है कि अरे भाई तुम रो क्यों रहे हो, फिर से तैयारी करो, एक बार हार गया तो क्या हुआ, अगले महीना फिर से इसको तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है था मेंस लेयर खत्म हो जाता है, फिर से एक जो है यहाँ से देख रहे हो कि डिस्ट्रॉयड हुआ और फिर से लेयर बनना शुरू होता है। तो जब भी एक एग डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो दूसरा जो एग बनने की प्रोसेस होता है वो दूसरे फेज में जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं दूसरा नाम क्या रख दिया गया, प्रोलीफेरेटिव फेज। अब प्रोलीफरेटिव फेज में क्या होता है, फिर से जो होते हैं मेंस लेयर का फॉर्मेशन शुरू होता है। अभी मेंस लेयर बनेंगे कैसे, तो यानी मेंस लेयर इंडोमेट्रियम की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे होता क्या था, मैंने भी आपको बताया कि प्रोलीफरेटिव फेज में होता है कि जो आपका हार्मोन है, यहाँ पे देखिएगा तो ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है एफएसएच। तो हाइपोथैलमस था, प्यूटेटरी ग्लैंड के जो होता है इंटीरियर पोर्शन से एक हार्मोन निकला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वह जो होता है ओवरी को स्टिमुलेट किया, और जब ओवरी को स्टिमुलेट करता है तो उसके अंदर फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है फिर से, और जब वो फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है, जिसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट यानी ओवम बन जाता है, तो फिर रैप्चर होकर बाहर निकल जाती है। जब बाहर निकल जाती है तो वह प्रोसेस
को बोलते हैं ओवुलेशन फेज, और कौन सा दिन होता है? 14वें दिन। जब भी ग्राफियन फॉलिकल से केवल ओवम बाहर आता है, बाकी जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ग्लैंड में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है सिक्रेशन करता है हार्मोन को, इसलिए इस फेज को बोल दिया सेक्रेटरी फेज। जिस हार्मोन को सिक्रेट करता है उसको बोलते हैं क्या, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है यूट्रस के अंदर फिर से इंडोमेट्रियम लेयर का फॉर्मेशन कर देती है। अब यहाँ पे यूटेरिन साइकल्स के बाद हम लोग देखे ओवेरियन। तो मैंने आपको बताया था कि अभी देखा जाए तो जो फॉलिकल्स होते हैं, जब भी वो डेवलपमेंट होना शुरू होता है तो उसका जो थिक का लेयर होता है उससे एक हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा था, कौन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो होता है फिर से यहाँ पे देख सकते हो लेयर का फॉर्मेशन कर दिया, यानी इसका सिक्रेशन बढ़ा। जब ओवुलेशन हो गया इन बिहीन उसको कंट्रोल करता है कि भाई हो गया। अब अगर हम लोग देखें तो एस्ट्रोजन तब तक सिक्रेट होता है जब तक जो होता है फॉलिकल्स मैच्योर ना हो जाए। जब भी वो मैच्योर्ड हो जाता है तो यह लेयर घट जाएगा, और वो मैच्योर्ड होने के बाद जब भी ओवम बाहर आता है तो कौन सा भाई, देख रहे हो प्रोजेस्टेरॉन, इसका लेवल जो होता है फिर बढ़ जाता है। अगर एक फर्टिलाइज हुआ तो इसी का लेवल रहेगा, अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर किसका लेवल बढ़ जाता है आपका, इस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। तो ओवरी के अंदर आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी फॉलिकल जो होता है डेवलपमेंट होगा, उसमें थेका लेयर बनता है, ओवम को रिलीज कर देगा। अगर आप देखें वहां पे तो इसके अंदर जो कैविटी है एंट्रम, ओबुलेशन हो जाएगा 14वें दिन, या रैप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल्स, ओवम जो होती है रिलीज हो जाता है। इसके बाद एक डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर में बदलता है जिसको हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, फॉर्मेशन हो गया। और ये जो होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सेक्रेशन किया, जब ये टूट जाता है तो यह छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है जिसको हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस कहते हैं। अगर हम देख ले गोनेडोट्रॉपिक हार्मोन में तो LH और FSH, कई बार यहाँ से ग्राफियन से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो टॉप पार्ट है यानी LH सर्च मैंने बताया था कि LH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी ओसाइट्स बनता है और उसको चारों तरफ से पकड़ लेता है, तब प्यूटेटरी जो होता है LH का फॉर्मेशन करता है जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम को रिलीज कर देता है। तो वह प्रोसेस को हम लोग सर्ज बोलते हैं, यानी सर्ज का मतलब हाईएस्ट सेक्रेशन ऑफ LH, जो कहां पे होता है, टॉप पार्ट पर। तो टॉप पार्ट पे कौन सा हार्मोन होता है, LH, और FSH क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, इसलिए इसका लेवल क्या है, नीचे। तो देख रहे हैं कि जो टॉप पार्ट पर होता है वो LH, जो नीचे होता है वो FSH। ये है कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आप इसको, मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो